अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के हवाले से, और आज इस लेक्चर में 20 क्लासरूम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज़ जो है वो डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहली मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है आइडियल बिहेवियर। अच्छी मैनेजमेंट के लिए टीचर का जो बिहेवियर है स्टूडेंट्स की तरफ बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना आइडियल बिहेवियर होगा उतनी ही मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी। आइडियल बिहेवियर होने से मुराद यहाँ पर टीचर का पॉजिटिव बिहेवियर है, पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स स्टूडेंट। अच्छी तरीके से बात करना, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना, उनकी राय को अहमियत देना। दूसरा पॉइंट है यूज़ पोलाइट लैंग्वेज, यानी कि पोलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। इखलाकन एक अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करना, आप अदब अदाब के तरीके से स्टूडेंट से बात करना, रिस्पेक्टेबल वे से बात करना। जब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट से बहुत पोलाइट वे में बात करेगा, एक अच्छी लैंग्वेज में बात करेगा, पॉजिटिव लैंग्वेज में बात करेगा, तो स्टूडेंट्स भी ऑटोमेटिकली उसको रिस्पेक्ट देंगे, और इससे जो है वो मैनेजमेंट क्लास की बड़ी स्ट्रांग रहती है। थर्ड पॉइंट है मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। स्टूडेंट के साथ टीचर का आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं कि सारा का सारा किताब से रीड कर लिया, और ये भी नहीं कि बच्चों की तरफ देखा ही ना गया या सारा का सारा बोर्ड से देख कर रीड कर लिया। टीचर का स्टूडेंट्स के साथ आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि टीचर्स हम पर फोकस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कोई भी मैनेजमेंट के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते, और क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल रहता है। फोर्थ पॉइंट है कीप फोन्स इन योर पॉकेट्स। टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फ़ोन्स हैं ना ये अपने पॉकेट्स में रखें। मैसेज आ रहा है, कॉल्स आ रही हैं, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो मैनेजमेंट टोटली रॉन्ग हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट हो जाता है। तो टीचर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो फ़ोन्स को पॉकेट्स में रखें। वैसे तो ये रूल्स होने चाहिए स्कूल्स या कॉलेजेस के अंदर कि टीचर्स को क्लासेस के अंदर मोबाइल फ़ोन्स लेकर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो यूज़ करते हैं तो वो उनकी पॉकेट्स में होने चाहिए। इससे क्लासरूम की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है लेट वन एंड अदर स्पीक अनइंटरप्टेड, यानी कि किसी को भी बगैर किसी रोक टोक के बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। इससे ये होता है कि हर कोई अपनी राय का इजहार बआसानी कर सकता है। सिक्स पॉइंट है रेज कंसर्न्स अबाउट वन एंड अदर्स स्टेटमेंट्स इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। जब क्लास में इतने स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर्स जब बहुत से स्टूडेंट्स से मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत सारी राय सामने आती हैं। अब उस राय के लिए चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, लेकिन उसके लिए एक रिस्पेक्ट जो है किसी स्टेटमेंट के बारे में रिस्पेक्ट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप रिस्पेक्ट जनरेट करते हैं तो स्टूडेंट्स एक दूसरे को मौका देते हैं कि वो पहले अपनी राय के बारे में इजहार कर लें। अब वो सही है या गलत वो लास्ट में डिसीजन होगा, लेकिन अपनी राय का इजहार करने देना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये कंसर्न्स अगर रेज कर दिए जाएं क्लास के अंदर तो फिर कभी भी मैनेजमेंट डिस्टर्ब नहीं होती। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर किसी को किसी का स्टेटमेंट पसंद नहीं आ रहा और वो उसको बीच में से रोक टोक कर रहे हैं, तो फिर इस तरह से आपस में बहुत रफ़ जो है वो क्लास का इन्वायरमेंट हो जाता है। तो जब कंसर्न्स ही रेज नहीं होंगे तो फिर एक दूसरे के स्टेटमेंट्स बारे में रिस्पेक्ट जो है वो नहीं बनती। लिहाजा स्टेटमेंट्स के बारे में रिस्पेक्ट के जो कंसर्न्स हैं उसको रेज करना बहुत ज़रूरी है। सेवन्थ पॉइंट है अवॉइड पनिशिंग द क्लास। अच्छा, टीचर्स अपनी बचत के लिए क्लास को पनिश करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स के साथ खफा हो जाते हैं कि ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, ये बहुत टफ टाइम देते हैं। तो टीचर्स को कोशिश करनी चाहिए कि पनिशमेंट के अलावा अपनी स्ट्रेटजीज पर थोड़ा सा ज़रा वर्किंग कर लें, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा स्टडीज की तरफ वापस आ जाए। जब पनिश करते हैं स्टूडेंट्स मज़ीद चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, स्टडीज में उनका इंटरेस्ट जो है वो लो हो जाता है। तो पनिशमेंट जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब पनिश करते हैं तो फिर क्लास की मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो टीचर तो क्या स्टडीज़ के साथ भी ख़त्म हो जाता है। तो ये टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम की अच्छी मैनेजमेंट के लिए पनिशमेंट जो है ना उसमें उसको ख़त्म करते हैं क्लास में से। एट पॉइंट इम्प्रूव अ स्टूडेंट्स सेल्फ इस्टीम। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट की सेल्फ इस्टीम इनके खुद एतमादी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब स्टूडेंट में खुद एतमादी आ जाएगी
तो वो बहुत सारे पॉजिटिव एक्ट्स ऑटोमेटिकली करेगा, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट ऑब्वियसली जब एक दूसरे जब सेल्फ इस्टीम आ जाएगी तो फिर एक दूसरे की राय को भी अहमियत देगा, रिस्पेक्ट में बात करेगा, वो क्लासरूम के मैनेजमेंट का भी ख्याल रखेगा। तो लिहाजा स्टूडेंट्स की जो सेल्फ इस्टीम है ना खुद एतमादी, इसको भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके लिए और भी बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं कि जैसे टीचर जो है वो गाहे बगाहे स्टूडेंट से क्वेश्चन करता रहे, और जब स्टूडेंट्स देखेगा या ये सोचेगा कि हमारे टीचर तो हर टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस करता है, तो स्टूडेंट्स मज़ीद ध्यान के साथ पढ़ते हैं कि किसी भी पॉइंट के बारे में टीचर जो है वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट कंट्रोल में रहती है। अच्छा जी, नाइन्थ पॉइंट है यहाँ पे, या नाइन्थ स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, रीइंफोर्स रूल्स एंड वैल्यूज़ यू वांट टू सी। अच्छा, जो रूल्स और वैल्यूज़ अगर एक टीचर देखता है कि क्लास में रूल्स और वैल्यूज़ होने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे क्लासरूम की मैनेजमेंट बड़ी जो है वो अच्छी रहती है, तो वो जो है वो उसको चाहिए कि वो रीइंफोर्स करे उसके लिए, ठीक है। जो वो रूल्स और वैल्यूज़ टीचर देखना चाहता है क्लास के अंदर, वो लाजमी उससे आगाह करे और फिर उनको रीइंफोर्स कर दें। पॉइंट है यहाँ पर, यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ भी करना चाहिए। 11th पॉइंट है कि विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है कंटेंट डिलीवरी में। जब टीचर हर टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर एड्स तैयार करेगा तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि वो फोकस करें और लेसन को प्रॉपर प्रोसेस करें। लेसन समझना, हर पॉइंट को समझना स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाएगा। तो लिहाजा टीचर्स के लिए बड़ी ज़रूरी है कि अगर देखना चाहता है कि क्लासरूम की मैनेजमेंट कायम और दायम रहे, तो फिर उसको चाहिए कि अपने लेसन को मज़ीद मौसर करने के लिए विजुअल एड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि वो रिवार्ड्स दे स्टूडेंट्स को हर लेसन के एंड में, बहुत ज़रूरी होता है। अब वो गुड स्टार एक्सीलेंट की सूरत में भी हो सकता है, ठीक है, इससे ये कि स्टूडेंट का जो बिहेवियर है ना उसकी वो रीइंफोर्समेंट की टेक्निक हो जाती है, मोटिवेशन लेवल स्टूडेंट्स का ज़रा हाई हो जाता है, अच्छा हो जाता है, मज़ीद मेहनत करते हैं, मज़ीद काम करते हैं, तो फिर जब उनका मोटिवेशन लेवल जब उनका हाई होता है तो फिर वो क्या करते हैं कि नेक्स्ट टाइम मज़ीद ध्यान से क्लास को सुनेंगे, लेक्चर को सुनेंगे, क्लास में बड़ा अच्छा बिहेव करेंगे कि नहीं, टीचर को रिवार्ड करता है, तो उससे ये होता है कि मैनेजमेंट बड़ी अच्छी रहती है क्लास की और स्टूडेंट्स जो हैं वो लेसन्स को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अगला पॉइंट है, कीप स्टूडेंट्स हैप्पीली इन एंड आउट ऑफ द क्लास बाय प्लेजेंटली सरप्राइजिंग देयर पेरेंट्स। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उन्हें ज़रूर बुला के स्टूडेंट्स की तारीफ़ कर देनी चाहिए। इससे ये होता है कि स्टूडेंट भी ज़रा देखता है कि देखो हमारे पेरेंट्स को बुलाकर तो हमें जो है वो इज़्ज़त बख्शी गई है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है। यहाँ पे टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको पॉजिटिव फ़ोन कॉल्स कर दें या उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री लेटर्स भेज दें कि आपके बच्चे की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। तो इससे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो सुपर्ब रहती है और स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, प्लस पेरेंट्स पर एक बहुत अच्छा जो है वो ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। 14th पॉइंट है यहाँ पे, बिल्ड एक्साइटमेंट फॉर कंटेंट। यहाँ पर टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कंटेंट के लिए स्टूडेंट्स के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करें कि ये कंटेंट आज क्या है और हमने किस तरह से इसके लिए डिलीवर करना है। इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी अरेंज कर सकता है, प्रोजेक्ट्स अरेंज कर सकता है, एग्जाम्पल्स अरेंज कर सकता है, बहुत सारे वाक्यात इसके अंदर डाले जा सकते हैं, स्टोरीज को यहाँ पर जनरेट किया जा सकता है स्टूडेंट्स के एक्साइटमेंट को क्रिएट करने के लिए। जब स्टूडेंट एक्साइटेड होता है तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर या लेसन की तरफ जो है वो जाता है, उसको सुनता है। तो इसकी वजह से जो क्लास की मैनेजमेंट है वो बहुत कंट्रोल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टडीज़। यही बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एक रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ जितनी होंगी स्टूडेंट्स उतना लेसन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपना इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं और एक्टिविटी भी हो जाती है। एक्टिविटी इसलिए भी ज़रूरी है कि उनकी जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है ना, ये दोनों स्ट्रांग होती हैं। टीचर्स को भी फ़ायदा है, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा है। टीचर्स को ये फ़ायदा है कि ज़रा उनकी जो जो लेक्चर वो डिलीवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट देते हैं और एक अच्छा रिजल्ट देते हैं टीचर्स को, और स्टूडेंट के लिए ये फ़ायदा है कि वो ज़हनी जिस्मानी दोनों तरीक़ों से उनके लिए बड़ा वो पॉजिटिव होता है और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक अच्छे एग्ज़ाम्स या अच्छा रिज़ल्ट देने के काबिल भी हो जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मेंटेनिंग अ डेजिग्नेटेड क्वाइट स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू टेक नोट्स इन कंप्लीट वर्क। यहाँ पर यह है कि स्टूडेंट्स को इतना वक्त देना चाहिए कि वो अपना काम कंप्लीट करने के लिए उस वक्त को इस्तेमाल कर सकें, जिसमें वो नोट्स बना सकें या जो भी अपना बकिया चार काम है उसको कंप्लीट कर सकें। इसमें यह होता है कि स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग नोट्स होते हैं या कोई लेक्चर स्किप हो गया है, कोई कोटेशन स्किप हो गई है, तो वो अपने उस काम को जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउइंग स्टूडेंट्स टू वर्क इन ग्रुप्स। ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को ग्रुप वर्क करने की परमिशन दी जाए। अब ये क्लास में भी हो सकता है, क्लास से बाहर भी हो सकता है, लेकिन चूँकि टीचर का कंसर्न क्लासरूम तक है यहाँ पे, तो टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट्स को क्लासेस में कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और उनको ग्रुप वर्किंग दें करने के लिए। इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स में कंपटीशन भी पैदा होता है और आज़ादी राय भी पैदा होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ इस्टीम के मौके भी बहुत होते हैं, खुद एतमादी यानी कि उनके अंदर पैदा होती है और उनकी थिंकिंग ब्रॉड हो जाती है, उनको चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से करने के जो है वो हुनर वो भी पैदा होता है और लेक्चर को मज़ीद या लेसन को या कॉन्टेंट को मज़ीद इंटरेस्ट के साथ जो है वो उसको कम्प्लीट करते हैं, उसको लेते हैं। ठीक है, 18th पॉइंट है इनक्रेज स्टूडेंट्स टू टैकल ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएँ। ठीक है, अब यानी कि स्टूडेंट्स को नहीं मालूम कि अभी हमें क्या प्रोजेक्ट मिलने वाला है, यानी कि अचानक से दिए जाने वाले प्रोजेक्ट्स ज़रूर दिए जाएँ स्टूडेंट्स को। उससे ये होता है कि इनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है और वो किसी भी किस्म की सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करने के काबिल हो जाते हैं। 19th पॉइंट है इंटरव्यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब स्टूडेंट से इंटरव्यू लिया जाता है तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे होते हैं, जिससे वो गुजर रहे होते हैं, जो उन्हें मौजूदा सूरत हाल में उनके साथ चल रहे होते हैं प्रॉब्लम्स, वो सामने आ जाते हैं और जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स होती हैं वो भी सामने आ जाती हैं कि किस किस तरह से गुजर के स्टूडेंट्स ने उस चीज़ को अचीव किया। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव है, इसलिए स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, मेंटेलिटी भी स्टूडेंट्स की कि पता चल जाती है इसके साथ। लास्ट है एड्रेस बैड बिहेवियर क्विकली। जब देखें कि कोई भी स्टूडेंट बैड बिहेवियर कर रहा है या किसी एक स्टूडेंट के किसी एक्टिविटी या बिहेवियर या बात की वजह से क्लासरूम का एनवायरनमेंट माहौल ख़राब हो रहा है, तो फिर फौरन से उसको एड्रेस किया जाए, यानी कि उसको वहीं पर टोक दिया जाए, रोका जाए, उसकी प्रॉपर वहाँ पे पॉलिशिंग की जाए, उसको बेहतर किया जाए, नरिश किया जाए कि ये चीज़ इस तरह नहीं, आप इसको पॉजिटिवली इस तरह से भी लेके जा सकते हैं। सो बैड बिहेवियर को फौरन तौर पर रोकना बहुत बहुत ज़रूरी है, ये क्लास की मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है, इसलिए इसको एज सून एज पॉसिबल एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।